अगली खबर है कुचामन से, जहां पर रोडा एक्ट रिकवरी मामले में कुचामन उपखंड प्रदेश भर में रहा अव्वल पर। कर चुकाने में नाकाम रहे किसानों ने रोडा एक्ट के तहत रिकवरी करने के मामले में नागौर जिले के कुचामन सिटी उपखंड कार्यालय ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल करते हुए 312 प्रकरणों का निपटारा किया है। इन प्रकरणों में 9,63,00,000 रुपए की रिकवरी की गई, जो सूबे में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। गौरतलब है कि सरकार की योजनाओं के तहत कर्ज लेकर बाद में तय समय पर उसके अदायगी नहीं कर डिफॉल्टर बने किसानों से रोडा एक्ट के तहत रिकवरी की जाती है। संबंधित बैंक इस मामले में स्थानीय उपखंड अधिकारी को पत्रावली भेजकर रिकवरी की मांग करते हैं। संबंधित काफी अच्छा प्रयास किया गया कुछ अमल उत्तर कार्यालय द्वारा, क्या अचीवमेंट किया गया है और क्या रहा पूरे आंकड़े? रोडा एक्ट है जिसमें किसान अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे लोन लेता है और किसी वजह से वो लोन नहीं चुका पाते हैं, जब वो डिफॉल्टर हो जाता है बैंक अपने स्तर पे सारे प्रयास कर लेता है, तो ऐसे मामले रोडा एक्ट में कवर होते हैं। सबसे पहले बैंक के यहाँ से हमारे पास पत्रावली आती है, पत्रावली का अवलोकन किया जाता है, पत्रावली में हम नोटिस इशू करते हैं। यदि नोटिस पे वसूली हो जाती है तो 2% कमीशन होता है उसमें, और उसके बाद में नोटिस पे यदि कोई जब पैसे जमा नहीं कराता है तो उसकी वारंट इशू किया जाता है। उसकी वारंट पे भी यदि जमा नहीं कराता है तो एनमोस की जमीन की नीलामी की जाती है।